मैं हूं सैयद बिलाल, आप देख रहे हैं जी के न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं एशिया गेम सितारों के मुताज नहीं, कानूनदान, सियासतदान, मैडर की आदत सरदार शरद बादशाह, मरकजी मैच सदर पी टी आई आज़ाद पेशा। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, तो सर आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, चूँकि आपके बाकी आवाम आपको सुनना चाहती है, आप हर दिल अजीज शख्सियत हैं। तो सर आप हमें बताएं कि आपने अपने सियासी करियर का आगाज़ कहाँ से किया? मैं थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इसकी चैनल की हिसाबत से मेरी जमात के लिए मौका दिया, इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बेसिकली सियासत के अंदर जो मेरी आइडियल शख्सियत है जिनसे मैं मुतासर हूँ और रहूँगा हमेशा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनको मैंने एज़ अ इंसान, एज़ अ नबी जो हमारा उनसे रिश्ता है वो तो है ही है, एज़ अ इंसान और एज़ अ उनको मैंने जो लीडर स्टडी किया है वो मेरे आइडियल हैं। उन्होंने एक भरपूर एक सियासी और लीडराना कायदाना सलाहियत उनका अपना लोहा मनवाया अपने दौर में, और उस नस्बत से बचपन से ही मेरी तरबियत में ये चीज़ शामिल थी मेरे वालद, क्योंकि उन्होंने पहले जो हमारे पार्लिमानी इंतखाबात हुए थे आज़ाद कश्मीर में 1975 में, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट किया था और फाउंडर एमएलए भी थे यहाँ से। हमारी तरबियत में जो बेसिकली सियासत बहुत कम शामिल है, लेकिन हमारी तरबियत में अवामी खिदमत और अवामी जदोजहद ज़्यादा शामिल थी। और मैं समझता हूँ कि पावर पॉलिटिक्स और अमली सियासत का जो आगाज़ मैंने किया वो नेक्स्ट जो लास्ट हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है आज़ाद कश्मीर की, लास्ट इलेक्शन में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया और भरपूर साथ दिया, और जब ये गवर्नमेंट बनी और इन लोगों ने अपनी रवश ना बदली, और मैं समझता हूँ और ये हकीकत भी है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान कुर्बान की इसके बावजूद कि उनको थ्रेट्स थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये साथ साथ तो चल रहे हैं, ये लेकिन नदी के दो किनारे हैं जो कभी भी नहीं मिल सकते। और अवामी जदोजहद जो बेसिकली जब ये हमारी मौजूदा लीडरशिप नीचे से लेके ऊपर तक जब इस नज़रिए से हट गए और लूट कसूट की पॉलिसी और ये जो सारे ये हम दिन रात हम ये जदोजहद कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद जब मुतासर होकर मैं बहुत मायूस हो चुका था, और ऐसे मायूसी के दौर में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारी वो चिंगारी जो उसको बरका दिया, और फिर जो इससे पहले ही मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहते हुए मैंने ऐलान कर दिया था कि इस दफ़ा शर्की बाग से इलेक्शन लड़ूंगा, और अवामी जदोजहद की खातिर जो हमारी लीडरशिप असल अपना असल फोकस जो था टारगेट उसको भूल गए, अब मैं खुद अमली सियासत का आगाज़ कर दूँगा। इसके लिए मुझे ये भी एजाज हासिल है कि जो लोग जिन लोगों ने मेरे वालिद साहब को 75 में वोट दिए, और एक उस वक्त एक जमाती निज़ाम था यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और दूसरी कोई सियासी जमात थी ही नहीं, उस वक्त तो बहुत मुश्किल और नामसायद हालात में जिन लोगों ने मेरे वालद का साथ दिया, उसकी यही बुनियाद थी, उन्होंने सच्चाई की खातर और आम इंसान की जदोजहद की खातर उसके हकूक के असूल की खातर मेरे वालद साहब का साथ दिया था, वही लोगों की बड़ी तादाद आज भी इंशाल्लाह उनकी ख्वाहिश पे उनके इसरार पे मैंने अमली सियासत और इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। तो चूँकि आप आज़ाद कश्मीर में पीटीआई के सदर भी हैं, तो इस वाले से आप आज़ाद कश्मीर में पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देखते हैं, खुसूसन आप अपने हलके के अंदर आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इसका? पीटीआई का बहुत शानदार मुस्तकबिल है। पीटीआई सिर्फ टीवी चैनल के आगे बैठ के या मीडिया के सामने सिर्फ बयान दे के और उसके बाद एयर कंडीशन काले शीशु वाली गाड़ी में बैठ के घर चले जाने का नाम नहीं है, पीटीआई अमली जदोजहद का नाम है, और पीटीआई का मुस्तकबिल बहुत शानदार मैं देख रहा हूँ। हमारा आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तालीम का रेशो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि हमारे आज़ाद कश्मीर भी लोगों और बिलखसूस ज़िला बाग के लोगों को बहुत ज़्यादा सियासी शऊर है। आपने देखा होगा कि हमारे लोग बहुत सियासी शऊर रखते हैं, बहुत सारे लोग जो गुरब जवार से शहर के अंदर दिन को आते हैं, बहुत सारे पहाड़ों से जब लोग नीचे उतरते हैं सिटी में अपने काम काज करते हैं, आपने भी देखा होगा कि वापसी में उनके हाथ में अगर कुछ हो ना हो लेकिन एक अखबार जरूर है, सारी अखबार को स्टडी करते हैं, और हमारे लोग सियासी शऊर रखते हैं, हम सच्चाई के कायल हैं और सच्चाई पर चल रहे हैं इंशाल्लाह। और यही सच्चाई जब मीरपुर के अंदर बाई इलेक्शन हुए थे कैसे सुल्तान महमूद साहब के, हम गए वहाँ कंपेन में हमसे लोग पूछते थे कि आप कैसे जीतोगे ऐसे हालात में, ये तो पीटीआई का नाम ही अभी लोगों ने सुना, और हमारे मुकाबले में नून लीग पीपल्स पार्टी सब लोग थे, और मैं उनको यही कहता था कि हम सिर्फ सच्चाई लेके निकले, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सब लोग, और इंशाल्लाह आने वाला दौर मैं आपकी इस टीवी चैनल की वजादत से एक चीज़ और कहना चाहूँगा,
कुछ लोग ये कहते हैं कि आने वाली हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये नून लीग बनाएगी, और जो लोग ये बात कहते हैं कि आने वाली हुकूमत सिर्फ नून लीग बनाएगी, वो मैं कहता हूँ कि एम क्यू की जन्नत के अंदर रहते हैं और वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप लोगों के अंदर शऊर आ चुका है, आप टूटी खंबे पे और अटाक जो है ना, आप नौकरी किसी को लगा दें इस बुनियाद के ऊपर आप लोग नहीं बिकेंगे, बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। और आने वाली जो हमारी हुकूमत होगी, मैं आप इस टीवी चैनल के थ्रू में दावे से कह रहा हूँ कि नून लीग के साथ तमाम जमातें इत्तेहाद भी कर लें, मैं आपको दावे से कहता हूँ, इसको प्रूफ के तौर पर रखिए कि नून लीग से तमाम सियासी जमातें इत्तेहाद भी कर लें, फिर भी आइंदा जो हुकूमत बनेगी वो पीटीआई को बाहर रख के हुकूमत नहीं बन सकती। तो क्या पीटीआई आज़ाद कश्मीर में लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। और ये अमली आपको बात बताऊँ, अमली इसका सबूत भी पेश करता हूँ कि ये जो हमारे मीरपुर के अंदर बाई इलेक्शन हुए थे उसमें आप देख लें, उस पर गुफ्तगू करूँगा, बहुत लंबी बहस तो नहीं होगी लेकिन गुफ्तगू हो जाएगी। उसमें लोगों ने जिस तरह में नून लीग की तमाम वफाकी वज़रा वहाँ मौजूद थे, तमाम 40 दिन जो थे हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत वहाँ मौजूद रही, और इसके बावजूद जो लोगों ने वैसे सुल्तान महमूद साहब पे और हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया, उसके बाद आप देख लें जो कोटली के अंदर खान साहब का जलसा हुआ और वहाँ पे कोटली के लोग खुद ये बात उन्होंने हमें कहा कि बशारत साहब ये जो स्टेडियम आज हम ये देख रहे हैं इसमें आवाम ने ये कभी आज तक इसकी तारीख है इस स्टेडियम को कोई नहीं बस, और इंशाल्लाह ऐसे ही 28 मार्च को खान साहब आ आएंगे, इंशाल्लाह मैं लोग इस चीज़ को इसका सबूत होगा कि लोग ना सिर्फ सारे आज़ाद कश्मीर बल्कि ज़िला बाद के लोग भी खान साहब को पसंद करते हैं, और आप देखेंगे कोटली जितना बड़ा जलसा इंशाल्लाह हमारा होगा। अरे सर, ये कहा जाता है कि आने वाले इलेक्शन में आपकी पार्टी किसी और जमात के साथ इत्तेहाद करेगी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस हवाले से देखें, बैरसे सुल्तान महमूद साहब का बारहा कल भी मीडिया के सामने और खान साहब का कल भी मीडिया में स्टेटमेंट आई है, और मैंने भी बारहा मीडिया के जिस फोरम पर भी किया हमने इस चीज़ की मुकम्मल तरदीद की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमला इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करेगी। हम किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने नहीं जा रहे, हम अगर एक फोरम पे ये कहते हैं कि ये सब करप्शन कर रहे हैं, नून लीग वाले करप्ट हैं, इन्होंने एक बड़ा फंड रिलीज़ किए हैं जो कश्मीर काउंसिल के थ्रू जो मैं समझता हूँ प्री पोल रिगिंग है, जो हर अपने उम्मीदवार को दे रहे, पीपल्स पार्टी में भी ऐसे ही हो रहा है, और अगर हम एक तरफ इन सब को चोर कह रहे हैं हमारी जंग इनके साथ है, तो दूसरी तरफ अगर हम इनके साथ सियासी इताअत करके सियासत में आएँ तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने उसमें मुखलिस नहीं हैं, और यह है कि हम किसी से इताअत नहीं करेंगे। लेकिन खान साहब ने बैरसे सुल्तान महमूद साहब जो हमारे पार्लियामानी बोर्ड के चेयरमैन भी, उनको ये अख्तियार दिया है कि वो किसी भी जो हमारे 29 हल्के हैं किसी भी हल्के में किसी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो, क्योंकि देखें हज़रत शाह वलीउल्लाह और कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे लीडर्स गुजरे हैं उनका ये थ्योरी है कि दुश्मन को मारने के लिए दुश्मन को समझना ज़रूरी है। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए पीटीआई के लिए आज़ाद कश्मीर के अंदर कहीं भी नए लोग नहीं आएंगे, पीटीआई के अंदर जैसे मैं पीपल्स पार्टी से आएँ वैसे ही जो लोग इस कौम और इस मट्टी के साथ वफादार हैं वो लोग दूसरे इन सब जो देख रहे हैं कि दूसरी सियासी जमातें जो डिलीवर नहीं कर सकी उनसे टूट के हमारे साथ आते हैं, और ऐसे ही पीटीआई के अंदर है, फिर इंशाल्लाह हम किसी के साथ कोई इताअत नहीं करेंगे, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है और इंशाल्लाह आने वाली जो हुकूमत है उसमें पीटीआई उसमें पैसा हो। इस मार्च के हवाले से आपका जो जलसा है बाग के अंदर, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस तरह देखें आप पहले सियासी जलसे हुए उसमें पाकिस्तान से लोग लाए गए और वो एक जलसागाह को भर दिया गया, पाकिस्तान से गाड़ियाँ आएंगी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके जलसे में सिर्फ बाग की आवामी होगी या आपका जलसा भी पाकिस्तान की आवाम के साथ भर दिया जाएगा? सर, हमारे जलसे में खालिस्तान बाग की आवाम भी होंगे और बाहर की आवाम भी होगी, लेकिन बाहर से कतन ये मुराद नहीं है कि हमारे पाकिस्तान से लोग आएंगे या कहीं और से। हमारे इस पूरे बाग के अंदर हमारा पहाड़ी इलाका है, इसमें कुछ इलाके मुजफ़राबाद के टच होते हैं, इसमें कुछ इलाके रावलाकोट से एक घंटे की मुसाफत के ऊपर है, यहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली है, जो ये आपको पता है पहले ये बाग की एक तहसील थी जो बाग से 2 घंटे की मुसाफत पर है, यहाँ पर इमरान खान साहब पहली दफ़ा आ रहे हैं बाग के अंदर, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ भी हासिल है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, और ये इस चीज़ का भी सबूत है कि बाग के लोग ज़्यादा सियासी शऊर और आगाही रखते हैं। कोटली के बाद जो दूसरा जलसा पी टी आई करने जा रही है वो बाग के अंदर है, और इसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि हम अपना जो तसलसल है हमने पैरसे साहब के इलेक्शन से जो शुरू किया था, बेसिकली हमने तब्दीली के लिए जो काम शुरू किया जब था वो 5 फरवरी 2015 जब खान साहब ने और इस्लामाबाद में पैरसे सुल्तान महमूद साहब की क़्यादत में हम इस जमात में शामिल हुए थे, और हम अपने उस तसलसल को बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह।
ये जो जलसा होने जा रहा है 28 तारीख को खान साहब का, ये जलसा बाग की तारीख रकम करेगा कि इतना बड़ा जलसा इससे पहले बाग में किसी सियासी जमात ने नहीं किया। तो सर इमरान, आपके इस टीवी चैनल की वसादत से एक बात और कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये बारिशों का भी मौसम है और इसमें एन मुमकिन है कि हमारी अभी कुछ जो प्रेडिक्शन है जो वेदर फास्ट है उसके मुताबिक में भी कि हमें इस जलसे में अगर मौसम सही ना हुआ, क्योंकि ये तारीखी जलसा हम करने जा रहे हैं, इसमें कंडीशन यह है कि इसमें मौसम साफ होना भी जरूरी है। तो अगर खुदा न खास्तान ने यह ऑप्शन भी रखा है आपस में जो क्यादत ने डिस्कस किया है कि अगर 28 तारीख को बारिश होती है या वेदर ठीक नहीं है तो हम इसको एक दिन आगे भी कर सकते हैं, दो दिन भी कर सकते हैं। खान साहब का दौर इंशाल्लाह होगा और तारीख सर इमरान खान साहब के साथ और कौन कौन सी शख्सियतें जो इस जलसे में शिरकत कर रही हैं? इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सीनियर क्यादत है इमरान खान साहब के बाद है और आज़ाद कश्मीर की जितनी भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो सारी हो, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ होगी, असद उमर साहब होंगे, तरीन साहब होंगे, अच्छा हो, ये सारी जो उनकी टीम है जो जहाँ इकट्ठे होते हैं वो सारे लोग इंशाल्लाह उनके साथ शामिल होंगे। सर इस जलसे के बाद आप क्या कहते हैं कि बाग की सियासत पर कोई गहरे असर मुरतब होंगे या फिर कोई बाग की सियासत में फ़र्क पड़ेगा? यकीनन ये जलसा आने वाले इलेक्शंस के हवाले से भी एक अहमियत रखता है और आने वाले इस जो बैरस सुल्तान महमूद साहब की क्यादत में जो इस जलसे की लीड कर रहे हैं क्यादत कर रहे हैं वो दो दिन पहले भी बाग में रह के गए और 23 तारीख को बाग आएंगे और दो तीन दिन बाग रह के जलसे की इकट्ठा किए रहेंगे और मैं ये समझता हूँ कि इसमें तहरीक इंसाफ के हवाले से जितनी हमारे लिए इशू पे वो सारी होंगी और ये जलसा हमारा इंशाल्लाह बहुत एक तारीखी एक रकम करेगा बाकी तारीख क्या। तो सर आप क्या समझते हैं कश्मीर का हकीकी लीडर कौन है? कश्मीर के हकीकी लीडर खान साहब हैं सर, इसलिए कि आप तो इमरान खान साहब जी खान साहब और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश भी है तो हम ये जदोजहद भी कर रहे हैं कि कश्मीर इमरान खान साहब की क्यादत में ही आज़ाद हो और उसके बाद जो हकीकी क्यादत जो इस वक्त कश्मीरियों के लीडर की हैसियत से तो सिर्फ बैरसी सुल्तान महमूद साहब की शख्सियत हैं जिन्होंने अपने आप को ये बावर करवाया, जो कामयाब मिलियन मार्च इन्होंने यूरोप के अंदर करवाया, इन्होंने अमेरिका के अंदर करवाया, इन्होंने दुनिया की कहीं फोरम्स के ऊपर कामयाब मिलियन मार्च करवाए और मैं आपके इस टीवी चैनल की वसादत से कहता चलूँ कि उन्होंने श्रीनगर में भी जाके वहाँ पे भी आवाम से खताब किया और अपनी असम्बली जदोजहद से उन्होंने साबित किया कि वो इस वक्त कश्मीरियों के हकीकी लीडर हैं और बाकी जितनी सियासी जमातें हैं जितना अरसा इन्होंने हुकूमत की है इनके तमाम अरसा इकदार को इनकी सियासी जदोजहद को सामने रखे तमाम जमातों को देखें। बेसिकली 47 में ये जो कश्मीर आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने ये अहद किया था आपस में कि ये जो आज़ाद कश्मीर है ये आज़ाद कश्मीर भी है लेकिन ये आज़ादी का बेस कैंप बने। इन्होंने इन तमाम सियासी जमातों ने जिनको मैं एक टब्बर कहता हूँ एक टब्बर के लोग हैं जैसे नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खान साहब के धरने के दौरान जो आए थे अपने सिंध से आपके पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा जरदारी साहब आए थे और आपके ये चैनल हैं बहुत सारे ये छोटा भाई और बड़ा भाई ये चलता था ऐसे ही ये सब लोग एक ही उसके वो रूप है सर। अच्छा सर तो आप हमारे जी के न्यूज़ की तरफ से आप बाकी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जीके न्यूज़ की तरफ से सब लोगों को देखें अगर आप मुझसे क्वेश्चन करते कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा की हैसियत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे तो मैं फिर अपनी जमात का पैगाम देता लेकिन मैं पहले एक इंसान हूँ, मैं फिर एक मुसलमान हूँ और फिर तहरीक इंसाफ का रहनुमा हूँ। मैं एक इंसान होने की नाते से और एक मुसलमान होने की नाते से आपके इस टीवी चैनल के थ्रू लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा जो इंसानियत के हवाले से कि अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मैंने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको अपने हालात बदलने का एहसास ना हो और साथ ही अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये कहते हैं कि मैं आवाम के अंदर जैसी आवाम होगी उनके ऊपर मैं ऐसे ही कुरान मसलत करूँगा। मेरी आवाम उन्नास से ये कोशिश है उनसे गुजारिश है कि आप इसमें ये कोशिश करें कि हमारे अंदर सियासी खामियाँ हम लोग बिक जाते हैं, हम लोग बरदरी इज़्ज़त के नज़र हो जाते हैं, हम लोग किसी न किसी इज़्ज़त की नज़र हो जाते हैं ना कहीं रिश्तेदारी के बुनियाद पर जो असर जो है ना मसले के शिकार होकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि दुनिया चांद पर पहुँच चुकी है और हमें आज़ादी हासिल की और 60 साल से ज़ायद का अरसा हो गया
और आप देखते हैं कि हम अभी तक बेसिक जो बुनियादी सोचते हैं हमारे लोग उनसे भी दूर हैं। इसलिए मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में इस दफ़ा ना बरादरीज़म को मद्देनज़र रखना है, ना नोटों की सियासत को मद्देनज़र रखना है। मेरी खुदारा आपसे गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में जो आपके घरों में आपके दाएँ बाएँ छोटे छोटे मासूम में 4 साल 5 साल 6 साल मेरी आपसे गुजारिश है कि उनको मद्देनज़र रखते हुए फैसला करें, उन लोगों को वोट दे के आगे रहें जो आपकी इस आने वाली नस्ल के लिए जो लोग जदोजहद कर सकें। नाज़रीन, ये थे सरदार बशारत बादशाह एडवोकेट साहब। तो इंशाल्लाह आपसे फिर एक और प्रोग्राम में एक और सियासतदान के साथ मुलाकात होगी। मैं हूँ सैयद बिलाल, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।